दोस्तों मैं फ्लिपकार्ट में चार्जिंग ड्रिल मशीन मंगाया हूँ। दोस्तों देखो इस पैकिंग की हालत क्या हुई है कि इसके अंदर कैसा है मटेरियल, तो अब तो फिलहाल मान रहे हैं इसका प्राइस आके 1895 रुपीज़ का है। ये 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे के शॉप के नाम पे आया है शेख मुनीर। ये मशीन अंदर कैसा है, अंदर मशीन है नहीं देखेंगे। ये देखो दोस्तों पूरा ओपन भी हो गया है पहले से, ये कई का है कि ओपन समझ में आने, और एक बार हमें ओपन करके देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन है, इसके अंदर बॉक्स दिया है तो में से काढ़ा है, इसके अंदर मशीन आई थी ना चेक करेंगे, और फिलहाल इसमें क्या भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ मशीन तो है पक्का प्रूफ के आ गया है मशीन। ये मैं चार्जिंग मशीन मंगाया हूँ, इसका रिव्यू बताता हूँ आपको मैं। मशीन तो बहुत भारी है दोस्तों, अच्छी है, अच्छी दिखती मुझे। ये कैसा वर्क करती कि वर्क करके देखेंगे। में बैटरी लगेंगे, ये बैटरी तो कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट से लिव इन ऑन दिया इसके ऊपर। ये पावर सेवर कहते हैं इसका नाम के पीछे इसका डिटेल्स है। BL1013 12 वोल्ट 2.0 एम्स ली लियोन कहते हैं। मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है सभी, हमारे इंडिया वाले कब अच्छा बनाते हैं कि कहने की। इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे हम इसको, इस तरीके से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल नहीं हुआ, ये प्रेस करके इंस्टॉल करना है इसको। पूरा इंस्टॉल हो गया, देखो दोस्तों फिटिंग ज़बरदस्त बैठ गया है। मशीन बहुत अच्छी दिख रही है मेरे को, भारी से दिख रही है लुकिंग भी। इसको लाइट भी दिया है फिलहाल सामने, ये देखो दोस्तों ऑन करे तो लाइटिंग पड़ रहा। ये लेफ्ट इसको है, ये अब राइट चल रहा है। मशीन बहुत भारी है, इसमें ये स्टेप गियर, स्टेप टू गियर या फर्स्ट गियर में एक ही चीज़ मिल रही है। सेकेंड गियर में थोड़ा बहुत स्पीड से रही है, ये फर्स्ट गियर में गाड़ी क्या हिसाब से जाती है वैसे हिसाब से दिखा रहा है इसमें भी। सेकेंड गियर में अब गियर कैसा चेंज करे तो गाड़ी स्पीड कैसा बढ़ती थी वो हिसाब से बनाया है। देखो दोस्तों लाइटिंग सिस्टम भी, टॉप सिस्टम दिया है इसका लेफ्ट राइट। ये अब इसको बिग डाल के देखेंगे हम, तो पूरा खुल रहा नहीं इसके अंदर में, वो नट बोल्ट का बिट बैठता है कि नहीं कि चेक करेंगे। ये मैंने टपारे का किट मंगाया था उसका बिट है, इसमें इंस्टॉल करके देखेंगे हमें। अरे यार ये तो इसमें पकड़ता भी नहीं, तो रे कैसा आप करना है। 10 mm का है ये, देखो दोस्तों 10 mm 3x8 का बैठता है इसमें। ये कितने का है कि समझ में नहीं आ रहा मेरे को, इसको तो चेक करके मंगाना था मैं, तो लॉस हो गया ना यार मैं इसको, नहीं तो ये कट करके इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं तो इसके वास्ते और क्या दिया, चार्जर दिया है और एक एक्स्ट्रा बैटरी। मैं 2 बैटरियाँ का मंगाया हूँ, इसमें एक चार्ज हो गया तो भी एक फिलहाल काम करेगा बोल के। ठीक है दोस्तों, आइटम प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। देखो दोस्तों बिट मैं इंस्टॉल कराया हूँ, मैं ऑनलाइन में मंगाया था ये बिट भी, इससे कैसा होल पड़ता है कि देखेंगे। ये बिट थोड़ा इसका तेजपन बोलेगा फेल हो गया है, इसके वहाँ से ज़रा कम स्लो में पड़ेगा। फिर देखेंगे इसका रिव्यू कैसा है कि एक पतला प्लेट लिया हूँ, हारन पट्टी को होल डालेंगे हम इसके अंदर, इसमें ऐसा रख के हिलने जैसा
इसको ऐसा रखते हैं बाद, और ड्रिल करते समय ऑयल ज़रूर डालना है नहीं तो बिट हीट हो जाती है। ऑयल है इसके बाद ड्रिल करेंगे इसका हम। तो बिट साइड खींच लीजिए, और प्रेशर डाल के उसको हम स्पीड 2 पर रखेंगे, 1 पर था स्पीड उसका, 2 पर कर दिया हमें, गियर बदल दिया। हाँ गियर उसका स्पीड बढ़ गया, गियर बदलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा इसको। तेज वाली बिट डालेंगे हम इसे। दोस्तों वो बिट पूरा मंदा था ना, उसको ऐसे बिट बदला के छोटी और एक बिट मेरे पास नई बिट है, इसमें थोड़ा है तेज पन अच्छा है इसका, होल इससे अच्छा पड़ेगा, देखेंगे बदला के चल गया। गियर चेंज, इसके बाद ये सामने रख दिए, पैंट फुल कर देंगे, पैंट होगा। अब इसको हम डालेंगे दिख रहा दोस्तों आपको, पड़ रहा हो पड़ गया, देखो दोस्तों होल पड़ाना है इसको, देखो होल पट्टी जा पड़ाना, मेरे देखो दोस्तों होल पड़ गया आयरन कपर, ये आयरन प्लेट है, इसको और बार प्लास्टिक पे डाल के दिखाता हूँ आपको। ये वुड है, वुड प्लास्टिक में है, वुड है, ये वुड के ऊपर देखो दोस्तों, वुड के ऊपर सलीस से चल गई है बिट सिंपल से। इसका हेवी अच्छा है दोस्तों, प्रोडक्ट भी अच्छा है। ये बैटरी काटने का तरीका है, प्रेस करके दोनों तरफ प्रेस करके काटने का है। अब नए काम करें, अब ये खोलता कि नहीं कि इस खुलेगा तो ये मशीन परफेक्टली है सर का, खुलिया नहीं तो वेस्ट है सर का। अब इसमें से मैं टपार ये किट मंगाया था, उसमें से 10 का बोल्ट और एक इसके किट काटेंगे, ये इसका ये लिंक करने का है इसको 10 के से, ये इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा तो ये अंदर जाना दोस्तों, इसमें ये सेट नहीं हो रहा, ये नहीं बैठ रहा तो मैं तो ये इसको काट दिया, तो जॉइंट कर दिया। अब ये इसमें इजीली बैठ जाता, इजीली सेट हो जाता है। इसमें रिवर्स फिरेंगे, फिट हो गया है। अब ये हम इसे लगा ले सकते हैं, देखो दोस्तों ये 10 का बैठ गया है ना। अब इसे खोल को देखेंगे कितना फुट तक खोलता है, वो बाजू में रख देंगे। देखो दोस्तों इसको रख दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे यार ये भी खुल रहा तो भी दे। गियर अभी बढ़ाएंगे, आप खोल को देखेंगे चलता कि नहीं कि ये स्किड हो रहा तो भैया, वो टाइट तो फुल बहुत है रे, बहुत देर आए। सेकंड गियर में है इसको, फर्स्ट गियर में रख लेंगे स्लोली, हमारे रेस्पॉन्स देगा। ये देखो दोस्तों पूरा ये इसको उठा के चल रहा, पार्ट ना सुन रहा है, और गियर बढ़ा देते हैं, इससे तो काम नहीं बन रहा। अब ये तो फेल गया, अब इसको स्टार स्क्रू है ना, ये स्टार स्क्रू ये प्लेवुड के इसमें इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे चढ़ता कि नहीं कि, पूरा सिंपल सी
ये मुश्किल से चढ़ता की देखिए, ये भी चढ़ाना है तो ये मशीन किसको काम आती नहीं बोल के जरूर पक्का है वो। अब ये मेरे को नहीं तो हमारे बहनों को तो कहूँ ना, ये स्टार का टपारिया का है, देखो दोस्तों टपारिया का स्टार का बिट। अब इसे लगा के मैं अब ये इसको लगा के ड्रिल करके देखेंगे, ये राइट साइड करना है। परफेक्टली काम कर रही दोस्तों है, पूरा सिंपल से चल गया अंदर। तो देखो दोस्तों सिंपल से चल गया है, अच्छी वर्क मशीन ही चाहिए। उप ले जाए इसको और एक दो तीन स्क्रांच लगाने के लिए और एक बड़ा स्क्रू चढ़ा के देखता हूँ। ये बड़ा स्क्रू चढ़ा के देखता हूँ कितना फुटे चढ़ा के, 2 इंच का है ये। अरे यार बहुत डेंजर है मेरे भाई, केयरफुली करना दोस्तों आप वर्क, इसको पक लेना जरूरी है ठीक ठाक रख के पकड़ेंगे। तोड़ दिया पूरा मशीन, बहुत स्ट्रांग मशीन है दोस्तों। अब ये खोल कर देखेंगे, स्क्रू का अच्छा काम कर रही है और एक जगह चढ़ा के देखेंगे इसको। हम ये रैम दिया ना इधर चढ़ा के देखेंगे, ये राइट साइड फिर अच्छी है। इसको तो फिलहाल काम कर रही है, ये नट बोल्ट सिस्टम को नहीं काम कर रही है। ये खोल के देखेंगे, ये तो पूरा स्लिप हो गया, इसको नहीं काम आता है दोस्तों। मशीन तो चीप एंड बेस्ट में अच्छी है, महंगी मशीन से कहो तो महंगी मशीन 40,000